राम राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी का विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद, कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर। थानेसर में मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर से बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा बीजेपी की ये रैली सीएम नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में इसमें शिरकत करेंगे और कृष्णपाल गुर्जर भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी के तमाम नेता होंगे जो इस रैली में मौजूद नजर आएंगे। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थानेसर में मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली की शुरुआत आज की जाएगी और प्रदेश भर से बीजेपी की जो दिग्गज नेता होंगे वो शामिल होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में इसमें शिरकत करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बीजेपी का विधानसभा चुनाव के लिए ये शंखनाद और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पहुंच जाएंगे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा कार्यक्रम में मौजूद होंगे और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम बड़ी हस्तियां, तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंच जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी इस कार्यक्रम में, इस रैली में शामिल होंगे। तो प्रदेश भर से बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो इस रैली में शामिल होने वाले हैं। मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली के जरिए आज विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से शंखनाद किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जनता पार्टी आज से अपने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर रही है। विधानसभा रण से पहले एक जोरदार शुरुआत आज कुरुक्षेत्र में यहां पर की जा रही है। मेरे साथ कृष्णलाल पवार साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, एक बड़ा रण, बड़ी चुनौती, उसके लिए आज से आगाज हो रहा है, शंखनाद आप लोग कर रहे हैं, क्या रणनीति? आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा का चुनाव अभी होने वाले हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि उसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से की जाए और विजय शंखनाद की रैली का नाम रखे। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट करेगी। कुरुक्षेत्र एक पवित्र स्थान है, यहाँ गीता का उपदेश कृष्ण जी ने दिया था, रणभूमि है। कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, पांडव की जीत हुई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। धर्म युद्ध के साथ आपने कंपैरिजन करा है, सियासत भी कुछ ऐसी ही है, अपने दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरे अपनी तरफ आ जाते हैं, ऐसे में कितना मुश्किल धर्म युद्ध मानते हैं या आसान? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और जो संगठन तय करता है, कार्यकर्ता उस बात को मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उधर उधर भागने वाले नहीं है। जो संगठन तय कर देता है, कार्यकर्ता उसका सम्मान करता है। इसी बार 75 पार का नारा दिया था, इस बार भी इसके लिए कोई 75 की कोई बात नहीं, लेकिन हम ये निश्चित तौर से कहते हैं कार्यकर्ताओं के बल पर तक माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री और नायब सैनी जी की जो कार्यशैली है, जिस प्रकार से डे बाई डे नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं, तो प्रदेश में जो हर व्यक्ति ये मानने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अच्छे काम हुए, विशेष तौर से गरीब आदमियों के लिए, जैसे 100-100 गज के प्लाट जो वर्षों से पेंडिंग पड़े थे उनको देने का काम किया। पूरे प्रदेश में 100 गज से 500 गज तक जो ग्राम पंचायत की जमीन में जो मकान स्थापित थे उनके ऊपर कच्ची तलवार लटकी हुई थी, उनको भी माल का हक देने की बात, तो विपक्ष को पटखनी देने की तैयारी निश्चित तौर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। तो कृष्णलाल पवार साहब हैं जो कि विजय संकल्प रैली के लिए पहुंचे हैं। ये मंच भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए बैक साइड है इस रैली की। और कोई भी बड़ा आयोजन, क्योंकि जब आप चुनाव में जाते हैं, जब कोई चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं, तो लाजमी सी बात है तमाम फैक्टर्स, तमाम चीजों को ध्यान में रखना होता है, और ऐसे में तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। बैक ऑफ द मंच, यहाँ से नेता जो है वो यहाँ पर जाएंगे और कई बड़े दिग्गज नेता हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले, संगठन से संबंध रखने वाले जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। धर्मेंद्र प्रधान आपको दिखेंगे, विप्लव देव यहाँ पर दिखाई देंगे, इसी के साथ साथ मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इसी के साथ साथ कई और दिग्गज नेता एनडीए घटक की बात करें तो वो भी यहाँ पर जो है आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप ये मंच देख सकते हैं, ये विशाल मंच तैयार किया गया है और तैयारियों
वो अंतिम प्रारूप जो है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जनसभा से, बीजेपी का विधानसभा चुनाव के लिए ये शंखनाद आप आज देखेंगे इस रैली के जरिए। और महरा हरियाणा, नॉनस्टॉप हरियाणा रैली का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पर मौजूद हैं, सांसद कार्तिकेय शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीएम धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव कार्यक्रम में मौजूद हैं, सतीश पूनिया, सुरेंद्र नागर मौजूद हैं। तमाम प्रदेश बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी शामिल हैं। तो तमाम प्रदेश बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सभी यहाँ पर आप लगभग देख सकते हैं। मारा हरियाणा, नॉनस्टॉप हरियाणा रैली के जरिए आज विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद बीजेपी करने वाली है। एक तरह से देखिए शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं, एक तरह से शंखनाद भी आप कह सकते हैं। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं सभी का जमावड़ा यहाँ पर लगा है और भारी संख्या में भीड़ के इकट्ठे होने की भी संभावना है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर इस रैली में पहुँचेंगे। मारा हरियाणा, नॉनस्टॉप हरियाणा रैली है जिसका आयोजन आज किया जा रहा है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से, किस तरह तैयारियां की गई हैं वो भी आप देखें। थानेसर विधानसभा में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं तमाम जो प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, फिर चाहे सांसद कार्तिकेय शर्मा हो, फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हो, विप्लव देव हो, सुरेंद्र नागर हो, तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं सभी लगभग पहुंच गए हैं। और सीएम का देखिए सम्मान यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से ये सीधी तस्वीरें जहां पर मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सम्मान किया गया है। तो आज थानेसर विधानसभा में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी इसमें शामिल हुए हैं। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगा है। और अब यहां फूलों का गुलदस्ता मनोहर लाल को दिया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल और अब केंद्रीय मंत्री हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां मंच पर तमाम प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। अब तक आपने देखा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का